अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में मंगलवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। इचौली क्षेत्र के गांव बना में टायर गलाने वाली एक फैक्ट्री के बॉयलर फटने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। धमाका इतना तेज हुआ कि फैक्ट्री की छत भी उड़ गई। मरने वालों में शंकर व प्रवीण शामिल हैं। दोनों ही मवाना के किशोरीपुर गांव के रहने वाले हैं। यह हादसा दुर्गा टायर्स नामक टायर गलाने की फैक्ट्री में हुआ है। घायलों के नाम दिनेश, सोहन पाल व शेंकी हैं। ये तीनों ही किशोरीपुर निवासी हैं। आसपास के लोग फैक्ट्री द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से भी परेशान हैं। देखिए इस बारे में SSP रोहित सजवाण ने यह जानकारी दी। थाना इंचौली के अंतर्गत फिटकरी गांव पड़ता है। वहां आसपास में काफी इंडस्ट्रीज लगी हैं। उसमें से एक फैक्ट्री है जिसमें कि पुराने टायरों को बॉयलर में बॉयलर का यूज करके उसमें उसका जो ऑयल और जो कार्बन पाउडर और अन्य जो उत्पाद हैं उससे बनाए जाते थे। और इसमें प्रातःकाल लगभग 7:30 के आसपास इसमें जो मजदूर वहां कार्य कर रहे थे वो बॉयलर फटने से उसकी चपेट में आ गए, जिसमें से दो लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और तीन अन्य जो लोग थे वो घायल थे, जिनको कि अस्पताल भेजा गया, जो वर्तमान में अस्पताल में उपचाराधीन है और उनकी हालत वर्तमान में खतरे से बाहर है। इसमें प्रकरण में जो वहाँ के परिवारजन है उनसे बात की जा रही है और शवों का पोस्टमार्टम इसमें कराया जाएगा, जिसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर उसका कुछ स्टेटस पता लगा? ये अभी बाकी इसके बारे में, क्योंकि ये फैक्ट्री वहाँ पे काफ़ी समय से चल रही है और ये इंडस्ट्रीज के अंतर्गत भी ये उसमें रजिस्टर्ड है और जो भी जो बाकी अन्य जाँचें हैं वो संबंध विभाग उसमें करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वॉलंटियर्स कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।